हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 9 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पोस्ट मेथड देखा जो कि HTTP क्लाइंट का होता है, जिसके थ्रू हमने क्या किया कि अपने डेटा को सर्वर पर सेव किया और उसको ग्रिड में बाइंड करा कर देखा। राइट, मींस कि पोस्ट मेथड से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सर्वर पर सेव करते हैं। राइट, और उसको हमने कोडिंग करके प्रैक्टिकल करके देखा। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि HTTP क्लाइंट का पुट मेथड कैसे यूज करते हैं, मीन्स कि हमें अपने किसी डेटा को सर्वर पर कैसे अपडेट करते हैं। राइट, उसको हम देखेंगे। हम या दोस्तों सर्वर की बात हो रही है हमारा API की, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वर तो हमने बना नहीं रखा है, यहाँ पे API बना रखा है, इन मेमोरी वेब API, जो कि हमारा एंगुलर का इनबिल्ट होता है, जो प्रोवाइड करता है एंगुलर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं सर्वर। इसलिए आप ये ना समझे कि हम सर्वर पर अपडेट कर रहे हैं, हमने जो डेटा बना रखा है, DB बना रखा है, उसमें हम अपडेट कर रहे हैं, एज ए सर्वर इसको ले रहे हैं हम। राइट, तो दोस्तों HTTP क्लाइंट का जो पुट मेथड है, ये क्या करता है कि हमारे डेटा को अपडेट करता है। तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्या करेंगे दोस्तों, कि ग्रिड व्यू में हम एडिट का बटन लगाएंगे हर रिकॉर्ड के सामने, और एडिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो होगा एडिट मोड में चला जाएगा, फिर से फिर हो जाएगा अपने अपने कंट्रोल में, और फिर हम उसमें कुछ चेंज करके उसको अपडेट करेंगे, जो कि हमारा डेटा तुरंत अपने ग्रिड व्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपडेटेड। राइट, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आप इसको बहुत केयरफुली देखें। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तभी आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। क्योंकि अगर एक बात मान के चलिए, अगर कुछ नया देख रहे हैं, कुछ लेटेस्ट देख रहे हैं, तो आप जरूर सहो सब सॉल्यूशन के चैनल पर हैं, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों पुट मेथड, जैसा कि हमने बताया कि पुट मेथड क्या करता है कि अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मींस कि वी परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन यूजिंग एंगुलर HTTP क्लाइंट पुट मेथड। दोस्तों ये एक URL लेता है, आप जैसे कि आपने देख रहे हैं कि पुट का जो फंक्शन का हमने बना रखा है, आप देख सकते हैं इसमें कि एक URL लेता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है, बॉडी होता है जिसमें हम डेटा पास करते हैं, उसका टाइप एनी होता है, ऑप्शंस होता है जो कि ऑप्शनल होता है, उसी को मैंने नीचे बता रखा है कि URL क्या होता है, कि वेब सर्विस का URL होता है या API का URL होता है, बॉडी में हम पास करते हैं जो कि डेटा हमें पास करना होता है। राइट, जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में जो ऑप्शनल होता है, इसमें जैसे कि हेडर पास करते हैं, जो हेडर आपको पता ही है कि हेडर इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा होता है, जिसे सर्वर को इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा को। राइट, तो दोस्तों ये तो हो गया कि पुट क्या करता है, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने पोस्ट मेथड यूज किया था। राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस में हमने पोस्ट मेथड यूज करके बताया था, और इसका जो आउटपुट आया था इस तरीके से आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट का बटन लेंगे और एडिट के बटन में इवेंट लिखेंगे, उसके बाद एडिट के मोड में लाएंगे, उस सर्विस बनाएंगे। तो उस तरीके से चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बटन ही लगा लेते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगा। यहाँ पर जिसको हमने टेबल बना रखा है, टेबल के अंदर एक क्या करते हैं कि एक और बटन बना लेते हैं। राइट, जो कि एज ए ग्रिड दिखेगा। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि बटन लिया हमने एडिट के लिए, इसका टाइप बता देंगे जो कि हमारा बटन टाइप का होगा। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लिक बनाएंगे। राइट, उसके बाद हम इसमें एक मेथड पास कर देंगे, जो कि दोस्तों हमें मेथड बनाना होगा अपने ये app.component.ts फाइल में, उसी को बना लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं, बुक टू एडिट लिख लेते हैं। राइट, बुक टू एडिट कर लिया हमने, एक मेथड बना लिया। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे, इसमें जो कि हमारे दोस्त यहाँ पर BK आ रहा है, BK का ID पास कर देंगे, जो कि बुक का ID होगा एक एक। राइट, इसमें हम BK.ID पास कर दिए। राइट, इसके बाद ये हम बंद कर देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम एडिट। राइट, और यहाँ पर TD बंद कर लेंगे। राइट, ये तो हमारा हो गया, जो कि हमने एक बटन लगा लिया। राइट, अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सर्विस, दोस्तों इस सर्विस के पेज पर सबसे पहले हमारा वर्क ये होगा कि एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि उस बुक के रिकॉर्ड को गेट करेंगे उस बुक के ID के बेस पर। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, गेट
बुक राइट बाय आईडी नेम से मैंने फंक्शन बनाया, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक पैरामीटर पास करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो पैरामीटराइज बनाएंगे, यहाँ पर बुक आईडी वेरिएबल लिया और इसको हमने स्ट्रिंग टाइप का कर दिया राइट। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट, गेट मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर गेट करना होगा राइट। यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे दिस डॉट बुक URL जो हमारी URL है API का, उसके बाद हम इसमें पास कर देंगे ID उसके बाद प्लस करके बुक आईडी पास कर देंगे राइट। ये हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पर बुक होगा के है इसमें नहीं राइट। उसके बाद हम यहाँ पर सेमी ये हमारा बुक रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगला वर्क होगा दोस्तों कि हमें एक फंक्शन बनाएंगे जिस जो कि हमारा डेटा को पुट करेगा, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो क्या करेगा पुट करेगा डेटा को अपडेट करेगा राइट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसी में कुछ चेंज करके एक नया फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर इसका फंक्शन का नेम अलग से रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं अपडेट राइट। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हमारा ये नंबर टाइप हम पास करेंगे क्योंकि एक एक आईडी को हमें अपडेट करना है, तो अगर यहाँ पर हमें नंबर किया तो यहाँ भी हमें नंबर ही करना होगा राइट। नंबर किया उसके बाद हमारे URL में भी पास करना होगा, जैसे इस तरीके से हमने आईडी पास किया उसी तरीके से बुक डॉट आईडी इसमें पास करेंगे राइट। यहाँ पर बुक डॉट आईडी कर देंगे राइट। तो ये हमारा फंक्शन हो गया जो कि हमें अपडेट करेगा, मींस कि हमारा सर्विस का वर्क हो गया राइट। सर्विस हमने ये बनाया कि एक तो फंक्शन बनाया कि जो हमारा डेटा गेट करेगा जिसको अपडेट करना होगा, और दूसरा हमने बना दिया कि जो कि हमारा अपडेट करेगा, यहाँ पर पुट हमारा करना होगा जो हमने गलती की, अब यहाँ पर पुट फंक्शन यूज करेंगे राइट जो कि हमारे डेटा को अपडेट करेगा। अब हम चलते हैं कंपोनेंट डॉट TS फाइल पर जहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे इसको लोड करने का और अपडेट करने के लिए राइट। तो पहला वर्क हमारा दोस्तों यहाँ पर होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं अपर में राइट जो कि हमारा यूज करेंगे जिसमें आईडी स्टोर करके रखेंगे राइट। तो यहाँ पर हमने बुक आईडी टू टू अपडेट नेम से हमने अपडेट नेम से हमने बना लिया, इसको हमने नल असाइन कर लिया राइट। अब हम क्या करेंगे फंक्शन पहले बनाते हैं दोस्तों, क्या करेगा कि हमारा डेटा को लोड करेगा, जैसे एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उस डेटा को लोड करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, वही फंक्शन हम करेंगे एडिट बटन पर कॉल करेंगे, तो इसीलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसी नेम से बना लेते हैं यहाँ पर राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे इस फंक्शन को बनाएंगे और इसमें हम पैरामीटराइज बनाएंगे, और यहाँ पर बुक आईडी नेम से एक पैरामीटर पास करते हैं, वेरिएबल बनाया हमने, इसको स्ट्रिंग टाइप का बना लिया राइट। अब इसमें हमारा वर्क क्या होगा दोस्तों कि दिस डॉट बुक सर्विस मीन्स कि यहाँ पर हम डेटा को गेट करेंगे जो गेट बुक आईडी है, और इसमें हम बुक आईडी पास करेंगे राइट। इसके बाद इसको दोस्तों हम सब्सक्राइब करेंगे डेटा लाने के लिए, और उसमें हम पास कर देंगे बुक और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर गोज टू कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम पास करेंगे दिस डॉट बुक अपडेट, इसमें हम डेटा को रख लेंगे जिसको हमें अपडेट करना है, इक्वल टू बुक आईडी राइट यहाँ पर हम रख लिया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि अब सारे कंट्रोल को असाइन कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, दिस डॉट बुक फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, डेटा तो हमारे पास आ गया, अब उसको हम क्या करेंगे फिल कर लेंगे एक एक करके, जो कि हमारा जैसे नेम हुआ कंट्रोलर नेम डॉट सेट वैल्यू राइट, इसमें हम पास कर देंगे बुक डॉट नेम राइट। इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके कैटेगरी के लिए एक और एक राइटर के लिए नाम चेंज कर लेंगे यहाँ पर
कैटेगरी राइट, और यहाँ पर भी हमने लिख लिया कैटेगरी, यहाँ पर हम लिख लेंगे राइटर, जो जो हमारा कंट्रोल है उसमें डेटा हम फिल कर रहे हैं, राइटर राइट मींस कि अब हमने यहाँ पर डेटा फिल कर लिया, अब उसके बाद दोस्तों हमारा वर्क हो गया कि इसको अपडेट करना, मींस कि सबमिट वाले बटन पर हमें अपडेट करने के लिए कोड लिखना होगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें चेक लगाना होगा यहाँ पर कि हमारा डेटा जो आ रहा है अपडेट के लिए आ रहा है या फिर सेव करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हम इफ लगाएंगे राइट, इफ में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अपडेट वाला जो हमने बनाया है बुक अपडेट, बुक आईडी टू अपडेट, इसमें चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है। इसमें इक्वल इक्वल टू अगर नल है तो हम सेव करेंगे यहाँ पर राइट, और यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ पर इसका सब्सक्राइबर पर यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स एल्स। इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, एल्स का अपडेट का कोड लिखेंगे राइट। अपडेट के कोड में हम लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि बुक आईडी में बुक डॉट आईडी में रख लेते हैं हम इसके जो हमारा वेरिएबल में आ रहा है दिस डॉट बुक आईडी टू अपडेट, इसमें जो वैल्यू आया राइट। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे कि दिस डॉट बुक सर्विस जो हमारा है उसमें हमने अपडेट का एक फंक्शन बनाया है, उसको हम कॉल करेंगे अब इसको अपडेट करने के लिए। अब इसमें हम पास कर देंगे बुक को राइट, बुक हमने पास किया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि डॉट सब्सक्राइब, इसके रिस्पॉन्स को गेट कर लेंगे, उसमें किस में गेट करेंगे बुक के अंदर, बुक गोज टू राइट। और इसमें हम क्या करेंगे कि दिस डॉट डेटा सेव्ड में ट्रू कर देंगे, हमारा मैसेज आ जाएगा राइट। उसके बाद दोस्तों हम दिस डॉट गेट सॉफ्ट बुक्स को कॉल कर लेंगे, इसके बाद हम दिस डॉट अपडेट बुक को इसको नल कर लेंगे राइट, और यही चीज यहाँ पर भी हम नल कर लेंगे दिस डॉट अपडेट इक्वल टू नल राइट, ताकि हमारा ये आईडी नल हो जाए जैसे इंसर्ट हो राइट। उसके बाद दोस्तों इसको हम सेव करते हैं, अब देखते हैं ब्राउजर में हमारा रन कर रहा होगा, तो चलते हैं ब्राउजर पर, एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों ये डेटा हमारा शो कर रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ब्राउजर में टेक्स्ट बॉक्स और ग्रिड शो कर रहा है, यहाँ पर एडिट का बटन भी आ गया, और एक जो डेटा आ रहा है दोस्तों के बाय डिफॉल्ट हमने सर्विस में रख रखा है वही डेटा आ रहा है राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से डेटा, यहाँ पर जो हमने पहले से बाय डिफॉल्ट एपीआई बना रखा है इसमें एक डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यही डेटा शो कर रहा है राइट। तो अब ब्राउजर में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे हम अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ सेव करना है तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं राइट, सेव करेंगे डेटा आ गया यहाँ पर। अब मान लीजिए आपको एडिट करना है इसको, तो मान लीजिए एडिट करना है तो इसको हमने हटा दिया राइट, जैसे ही सबमिट करेंगे देखिए ये अपडेट कर दिया, मीन्स कि यहाँ पर पुट का फंक्शन कॉल हुआ अपडेट कर दिया राइट। अब यहाँ पर कुछ और भी सेव कर सकते हैं राइट, सेव करेगा ये यहाँ पर सेव करा, अब इसको अपडेट करना है 77 की जगह पर हम लोग दोस्तों को हमें 8 करना है राइट, ये अपडेट कर देगा इसको, देखिए मीन्स कि यहाँ पर पुट का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि गेट का भी फंक्शन हम आपने देखा, पुट का भी देखा, और पिछले वीडियो में पोस्ट का भी देखा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गेट और पोस्ट और पुट का मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या उसका क्या फीचर्स होता है, क्या कंसेप्ट होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आपको इस वीडियो के अगर कोड की नीड हो तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी शेयर करें, हम आपको कोड भेज देंगे। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम डिलीट मेथड के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर डिलीट का बटन लगाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में डिलीट मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, जिसमें हम एंगुलर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करते हैं, मतलब कि एंगुलर 9 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम इंटायर
एंगुलर 9 को चैप्टर वाइज बिल्कुल ही डिटेल्स में कॉर्पोरेट टेबल में आपको प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन होगा, घर बैठे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव सेशन चलेगा। इसके अलावा हम एक लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि हम एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन जो कि ई कॉमर्स बेस्ड होगा उसको हम डेवलप करके सिखाएंगे, जिसको लाइव करके सिखाएंगे, जिसमें दो प्रोजेक्ट होंगे, एक एडमिन पैनल होगा और एक आपका फ्रंट एंड होगा जहाँ से लोग परचेज करते हैं, और एक एडमिन पैनल होगा जहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, जैसे कि सेलर बनाए जाते हैं, एडमिन बनते हैं, प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं और ब्रांड अपलोड करते हैं सारी चीज़ों के लिए। मतलब कि दो प्रोजेक्ट पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन होगा जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, मतलब कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाएंगे, मतलब एंगुलर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको पूरा एंगुलर 9 और उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी और 2 से लेकर 8 तक के भी सारे कंसेप्ट को बताया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 9 में ट्रेनिंग लेने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 9 में ही काम मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको 5 में 6 में मिल जाए। इसलिए हमारा ये मोटिव होता है कि आपके सारे कंसेप्ट आपको बताया जाए, ताकि आप कहीं भी जाएँ तो आपको काम करने में दिक्कत ना हो, और भी वो भी सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट लेवल के बताएंगे, जिस तरीके से आपको कंपनी में काम करने को मिलता है।